तो आज लाए हम आपके लिए एकदम मिक्स वेज, एकदम मज़ेदार और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट। तो बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी लगती है ये मिक्स वेज की, और बहुत ही लाजवाब लगती है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में इस सब्ज़ी को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल कुक विद अक्षरा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज। मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने यहाँ सारी सब्जियों को कट करके रख लिया है, और सब्जियों को मैंने अच्छे से पहले से ही वॉश करके रखा है छन्नी में। तो यहाँ मैंने 700 ग्राम आलू लिए हैं। आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 700 ग्राम ही हमारी गोभी है। गोभी को आप देख के अच्छे से कट करें, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, कीड़े वगैरह आ रहे हैं, तो आप अच्छे से ध्यान से कट करें। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया। आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी सब्जियों को। तो यहाँ मैंने तकरीबन ये बीन्स लिए हैं, साइड में आप देख सकते हैं, ये मैंने 200 ग्राम के करीब बीन्स लिए हैं। बीन्स को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। वहीं मैंने 3 से 4 शिमला मिर्च ली हैं, तकरीबन ये भी वज़न में 150 से 200 ग्राम के करीब होंगी। तो इस तरीके से क्यूब में मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया है। तो सारी सब्जियां हमारी रेडी हैं, और वॉश करके हमने कंटेनर में रख दिया है इसका, ताकि सारा पानी रिमूव हो जाए। तो यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने एकदम चॉपर से बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। यहाँ मेरे 3 से 4 टमाटर हैं लगभग। आप चाहें तो ग्राइंडर जार में डाल के इसकी प्योरी भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा दरदरा सा रहेगा तो अच्छा लगता है वो। तो प्याज को भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है हमने। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने भगोना लिया है। भगोने में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब ऑयल को अच्छे से गर्म करा है। यहाँ हमने सबसे पहले इसमें अपना पनीर को ऐड कर दिया है, और पनीर को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक हमें अपना पनीर फ्राई करना है जब तक इस पर कलर नहीं आ जाता अच्छा सा, एकदम गोल्डन होने तक। तो पनीर को हमने निकाल लिया है, उसी तेल में वापस से हम अपने आलू और गोभी को डाल देते हैं। तो आलू और गोभी को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम अपने आलू को फ्राई करेंगे, और गोभी को भी अच्छे से, ताकि हमारे आलू गोभी हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ हमने आलू गोभी को फ्राई कर लिया है। हमें इसे वापस से एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आलू गोभी को हमने निकाल लिया है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, और 1/2 टीस्पून हींग। तो ये हमारे सीक्रेट मसाले हैं हमारी सब्जी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए, और एकदम हलवाई वाला टेस्ट देने के लिए। तो अगर आपके पास नहीं है कुटा हुआ धनिया, तो आप थोड़ा सा रोस्ट करके इसे डब्बे में बना के रख सकते हैं दरदरा सा। तो यहाँ मैंने अपनी प्याज को फाइन चॉप करके रखा था। तो यहाँ मैं इस वक्त इसमें अपनी प्याज को ऐड कर देती हूँ, और प्याज को अच्छे से फ्राई करना है हमें। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम प्याज को फ्राई करेंगे, हल्का सा गुलाबी होने तक प्याज को हम भूनेंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। यह मैंने थोड़ी सी रेड वाली हरी मिर्च ली है, और 2 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसे भी हम साथ ही ऐड कर देते हैं, और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। अदरक लहसुन का फ्लेवर थोड़ा कच्चा सा होता है, इसलिए हमें इसे भूनना ज़रूरी होता है। तो हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने नॉर्मल वाली रेड मिर्च ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। तो यहाँ हमारे लगभग सारे मसाले जा चुके हैं इसके अंदर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देती हूँ। इसमें पानी हमें डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है, और मसाला हमारा नीचे से लगे ना। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंने मिक्स सब्जी मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है बना हुआ, और 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। तो यहाँ इस वक्त हम अपने इसमें आधे टमाटर डालेंगे पिसे हुए। हमें 1/2 टमाटर डालने हैं इसके अंदर, और 1/2 को बचा लेना है हमें। इसका फ्लेवर अलग आएगा, और बचे हुए टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे, उसका फ्लेवर अलग आएगा। तो 1 टीस्पून मैंने मसाले के अंदर नमक डाल दिया है, और मसाले को अच्छे से लगातार चलाते हुए हमें मसाले की भुनाई करनी है, ताकि मसाले में हमारे अच्छे से खुशबू आने लग जाए, और तभी हमारी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये एकदम बढ़िया तरीका है, और एकदम मेन पॉइंट है। कोई भी सब्ज़ी हम बना रहे हैं, मसाले की हमें अच्छे से भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं मसाले का कलर आप चेंज हो गया है। तो मसाला हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए भुना है, और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ हम मसाले को दोबारा से चला लेंगे। सबसे पहले हम अपनी बीन्स और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी अपने मनपसंद की सब्ज़ियाँ और ऐड कर सकते हैं। आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं,
या मटर भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास इतनी सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी तो मैं ये ही डाल रही हूँ। तो यहाँ हमने फ्राई किए गोभी आलू को ऐड कर दिया है और बचे हुए टमाटर को भी डाल दिया है ऊपर से। इसका जायका बहुत ही अलग और बहुत ही अट्रैक्टिव आता है और बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप मेरे इस तरीके से इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपकी मिक्स वेज सब्ज़ी किस कैसी बनी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है ये, आप इस तरीके से बनाएंगे तो हलवाई की सब्ज़ी भी खाना भूल जाएंगे। तो बचे हुए हम पनीर को फ्राई किया हमने, वो भी हम ऊपर से ऐड कर देते हैं। तकरीबन हमने हाफ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है और अपनी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डाला, हाफ कप के करीब पानी डाला है और हम इसके जूसेस में इसे पकाएंगे। तो यहाँ हमने गैस के फ्लेम बंद कर दिया है और इसे पकाने के लिए छोड़ दिया है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्ज़ी को पकते हुए, हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। गैस के फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप सब्ज़ी का कलर, बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही खुशबूदार हमारी ये सब्ज़ी बनी है क्योंकि इसमें हमने खुशबूदार घर के मसाले ऐड करे हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस तरीके से इस सब्ज़ी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे फॉलो करें और लाइक करें वीडियो को। मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपने और परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।